हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी इडली, साउथ इंडिया की स्पेशल रेसिपी। देखिए इडली कितनी फ्लफी और स्मूथ है, रेस्टोरेंट जैसी इडली घर पे कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक पॉट में 2 बॉल उड़द दाल लिया है और इसे 4 घंटे के लिए भिगो के रखा है। और यहाँ मैं 2 बॉल उड़द दाल के लिए 4 बॉल इडली रवा ले रही हूँ। देखिए देखिए, इसकी हर एक दाना एक समान है, ज़्यादा बड़ा दाना भी नहीं है और पाउडर जैसा भी नहीं है। इसी से हमें स्पॉन्ज जैसी नरम इडली मिलेगी। ये आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है। इस इडली रवा को हमें 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है। अब देखते हैं, उड़द दाल अच्छे से सूख हो गया है, हम इसे अच्छे से धो लेंगे और हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अगर हम इसे मिक्सी जार में लेकर ग्राइंड करेंगे तो इतना फ्लफी इडली नहीं मिलेगा हमें, और उड़द दाल का बैटर भी हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना इस ग्राइंडर में मिलता है। ये ग्राइंडर मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप भी ख़रीद लीजिए फ्लफी और स्पॉन्ज जैसी इडली पाने के लिए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए दाल अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, हम इसे एक प्लास्टिक कंटेनर में निकाल लेंगे और इसमें हम इडली रवा को डालेंगे। देखिए हमें रवा को ऐसे टाइट करके पानी सब निचोड़ देना है और बैटर में डालना है। देखिए टाइटली सारे पानी को निचोड़ के हमें बैटर में डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें हाथों से ही मिक्स करना है। अब मिक्स हो गया है, हम इसे दूसरे एक पॉट में आधा निकाल लेंगे क्योंकि जब ये फर्मेंट होगा तो ऊपर तक थोड़ा फूलेगा। गर्मी का मौसम है तो एक 6 से 8 घंटे तक फर्मेंट हो जाएगा। मैं यहाँ ओवरनाइट फर्मेंट कर रही हूँ इसे। देखिए मैंने रात को इसे रखा था, सुबह देखेंगे कैसा है। देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से बैटर में घुल जाए। देखिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ इडली पॉट में 1 ग्लास पानी डाला है बड़े ग्लास से, और अब इडली मॉल में हम बैटर को डालेंगे। हमें पहले इसे इस मॉल को भिगो देना है, मॉल भी ड्राई होगा तो इडली नहीं आएगा। सारे मॉल में बैटर को भर दिया है मैंने। अब इसे मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए 15 मिनट बाद इडली हो गया है। इसे हमें तुरंत नहीं निकालना है, 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, इसके बाद इडली निकालेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। देखिए कितनी स्पॉन्ज जैसी इडली बन चुकी है, बहुत ही स्मूथ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।